थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा करके तुमने सब खत्म कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके सब समझ जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके वो ठीक हो रहा है। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं जो कि हमें अपनी रोज़ की लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें हमें बोलना होता है थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक कमाल के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, और वो स्ट्रक्चर है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। चलिए इसको यूज़ करने का रूल को देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है, और उसके बाद लास्ट में बोला जाता है लिटिल बाय लिटिल। चलिए एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझते हैं। थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ईट लिटिल बाय लिटिल, ईट लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके लाना, ब्रिंग लिटिल बाय लिटिल, ब्रिंग लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके तुमने सारा खत्म कर दिया, यू हैव फिनिश्ड ऑल लिटिल बाय लिटिल, यू हैव फिनिश्ड ऑल लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके सब समझ जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड ऑल लिटिल बाय लिटिल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके वो ठीक हो रहा है, ही इज रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल, ही इज रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल। उसकी इंग्लिश की नॉलेज थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूव हो रही है, हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इम्प्रूविंग लिटिल बाय लिटिल, हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इम्प्रूविंग लिटिल बाय लिटिल। तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके भेजना चाहिए था, यू शुड हैव सेंट लिटिल बाय लिटिल, यू शुड हैव सेंट लिटिल बाय लिटिल। सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए, वो थोड़ा थोड़ा करके बोल रही थी। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।